औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद फारूक एक बार फिर आज आपको खिदमत में नई वीडियो के साथ, और आज हम मौजूद अल गफूर ग्रैंड सिटी के अंदर जो है सेक्टर 12 के अंदर सदरी टाउन के अंदर है। और आज हम आए हैं 3 से 4 महीने बाद वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियो सामने देखते होंगे कि अब क्या फ़र्क है दोनों का। एक काम है कि आज हम आए और इस वक्त हम पहले मार्च के महीने के अंदर है, मार्च का मिड सेशन चल रहा है, तो मार्च के मिड सेशन के अंदर वीडियोज़ बना रहे हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा कमर्शियल है, पूरा का पूरा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसी की वीडियो के बारे में हम बताने वाले हैं और इसी के पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कमर्शियल में क्या क्या भर्ती है, कितना भर्ती है, कितना काम बाकी है और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ रहना बाकी है। ये तमाम के तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको हमारे इस वीडियो के अंदर। हमारे चैनल हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल लाजिम सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर अल गफूर ग्रैंड सिटी की हर महीने के बाद कुछ ना कुछ मालूम आपको देते रहते हैं। आपको इस तरह हमारे लिंक्स चलते रहेंगे, इसमें नीचे तमाम महीनों की पिछली लिंक्स मौजूद हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं वापस ग्रैंड सिटी के अंदर। तो आइए चलते हैं कमर्शियल की तरफ, और कमर्शियल की तरफ आपको बता दूँ क्या चीज़ें मौजूद है। अच्छा जी, पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है और बाउंड्री के साथ हम खड़े हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि दिखाने के लिए पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। और मेरे पीछे पूरा का पूरा ये आपको कमर्शियल दिख रहा है, ये कमर्शियल ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया गया है। और आइए इसके साथ से मैं आपको एक कुछ बता देता हूँ, भाई दिखाऊंगी अभी बिल्कुल नया ग्रे स्ट्रक्चर बना, दीवारें टूट रही हैं, फट रही हैं, ये काम हो रहा है भाई अल गफूर ग्रैंड सिटी के अंदर। तो बनाने का मकसद हमारे वीडियो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ खूबियाँ नहीं बल्कि खामी भी बताएं, तो खामी यानी हमें दिखे सही कर लेंगे इसको, लेकिन दिख तो गई है। तो आइए चलते हैं कमर्शियल के अंदर, कमर्शियल के अंदर कमरों के क्या साइज़ है। और कमर्शियल की खास बताऊँ कि कमर्शियल का पूरा कंस्ट्रक्शन तो कम्प्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, टावर तक बना दिया जा चुका है, लेकिन इसके कमरों के साइज भी बताएंगे। और वाहिद ऐसा सजाने का प्रोजेक्ट है जो 4 फ्लोर पर मुश्तमिल है और 4 फ्लोर पर जो है लिफ्ट दी हुई है, वरना सजाने के किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में 4 फ्लोर वाले प्रोजेक्ट के ऊपर लिफ्ट नहीं है, सिवाय इसमें है भी पहला प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं, अभी फिलहाल ये पहला प्रोजेक्ट है। आइए आपको लिफ्ट की जगह भी दिखाएंगे, आपको सब चीज़ दिखाते हैं, बता देंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि ग्रेस स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका था, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं हम, तो देखिए ये लिफ्ट की जगह दी है और लिफ्ट की जगह भी बताइए, पूरी जगह बन गई है, लिफ्ट लगा बाकी ग्रेस स्ट्रक्चर काम कम्प्लीट हो चुका है, तो आइए मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर हम लोग आए हैं आपके लिए एक्सप्लोर करने के, इस वक्त जो अल गफूर का जो कमर्शियल है उसमें कितने रूम्स हैं और क्या क्या चीज़ें, तो आइए मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये दिखा है पैसेज, ये तकरीबन 3 से 4 फुट का पैसेज है जो कि लिफ्ट की तरफ निकल रहा है, ठीक है, इस सामने लिफ्ट है, यहाँ निकल रहा है। अब आइए लिफ्ट के साथ साथ पहला हमें दिया हुआ है रूम, तो जैसे हम उसको खोलते हैं तो एक रूम आपको लिया जाता है, ठीक है। इस रूम का तकरीबन जो साइज़ है वो मेरे हिसाब से 10 फुट होगा, 10 बाय 10 का कमरा होगा ये। इसके साथ आगे आते हैं एक रूम ये है, ठीक है ना, एक रूम ये है जिसका साइज, इसके साथ वॉशरूम बाथरूम भी है, किचन भी है। तो इस रूम का साइज उस 10 बाय 10 से कम से छोटा है, तकरीबन 1 बेड लाउंज का जो फ्लैट होता है उस तरह का ही दिख रहा है, 1 बेड लाउंज का फ्लैट उस तरह का दिख रहा है। देखिए तो इसका साइज बहुत छोटा है, इतना बड़ा साइज नहीं है कि एक उसको रूम कहा जा सके। तो यहाँ पे किचन और वॉशरूम बाथरूम आएगा, एक रूम के साथ चाहिए बनाए गए हैं सारे के सारे। फिलहाल ग्रे स्ट्रक्चर सब कंप्लीट है और बाकी काम बहुत काम बाकी है, इसमें ग्रे स्ट्रक्चर फिलहाल कंप्लीट है। तो आइए मैं आपको मजीद पीछे दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा पैसेज जो है उसी तरह चल रहा है और वो निकल रहा है, एक डक पोजीशन है वहां पे निकल रहा है। यहाँ से क्या खूबसूरत मनाजिर है, यहाँ से आप पूरी सोसाइटी का बाहर के मनाजिर कर सकते हैं, जैसा मेरे कैमरा आपको दिखाएगा भी इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ा बस लोग डक पोजीशन है, ये डकिंग है, डकिंग एरिया है, नीचे का डकिंग एरिया निकाला हुआ उन्होंने, और ये पूरा बेहतरीन मनाजिर यानी कि बाहर से आप देख सकते हैं। तो अल गफूर ग्रैंड सिटी के अंदर कमर्शियल के अंदर सब मौजूद है। और यहाँ पर आइए एक रूम आपको दिखाते हैं, फर्स्ट रूम है, पहला रूम है, पहला रूम के साथ में आप आते हैं सेकेंड रूम, पहला रूम सेकंड रूम, सेकंड रूम आपकी ये दीवी एक बालकनी, बालकनी के साथ जो आपको वॉशरूम बाथरूम अटैच बाथ दिया हुआ, किचन के साथ जो दी हुई है। तो ये पूरे अल गफूर ग्रैंड सिटी के अंदर कमर्शियल जो है वो इसी तर्ज का बनाया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसका ये फ्लोर है कॉर्नर का फ्लोर है वो बड़ा खुश है, क्योंकि ये बहुत हवादार और बहुत रोशनीदार फ्लैट है। तो फ्लैट की अगर रूम के साइजेस देखे जाए तो बहुत ही छोटे हैं, रूम के साइजेस बड़े नहीं है, रूम के साइजेस बहुत ही छोटे हैं, मुझे तो नॉर्मल फ्लैट से भी छोटे लग रहे हैं रूम के साइजेस। तो अभी जिन्होंने बुक कराया अल्लाह पाक उनको बेहतरीन दे, तो फिर रूम के साइजेस बहुत छोटे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं आगे, हम दूसरी चीज़ों दिखाते हैं आपको। अभी मैंने आपको अल गफूर ग्रैंड सिटी का पूरा ये कमर्शियल के अंदर के जगह भी दिखाया, अंदर के कमरे भी दिखाए, कमरे के साइजेस बहुत छोटे हैं, ना होने के बराबर है मेरे हिसाब से, तो बहुत छोटे हैं कमरे के साइजेस बराबर। और यहाँ पर ऊपर तक टावर तक लग चुके, टावर जो टंकी टावर है वो बन चुके हैं, टैंक गेरा आपके सामने, यहाँ टैंक मौजूद है, तो जैसे आपको नाले पानी के लाइन जा रही है, यहाँ टैंक मौजूद है,
ये तमाम चीज़ें हम पहुँचेंगे पूरी ग्रैंड सिटी के अंदर। अभी इलेक्ट्रिसिटी का क्या मामला है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है भाई, जनरेटर चल रहा है, अगर कैमरा में दिखाते हैं जनरेटर चल रहा है। और ये जो साथ गड्ढा लगा हुआ है, ये जो नीचे गड्ढा लगा हुआ है, ये स्कूल बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्कूल बनेगा। और आइए साथ तमाम शटरिंग उतारी जा चुकी है, तमाम शटरिंग उतार चुकी है। अब दूसरा मरहल जो है ना, इसका फिनिशिंग का चलेगा, पस्ता का चलेगा, वो जब भी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो लाजमी दिखाएंगे। हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, हमारे चैनल पर अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी करें। और देखते हैं साथ साथ हम आपको तमाम चीज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह, जब पस्ता का काम शुरू होगा वो भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह।